दोस्तों, साइबर ठगी करने वाले अपराधी किसी को भी नहीं बख्शते हैं। चाहे वो आईएएस हो, चाहे वो आईपीएस हो, या मंत्री हो, या फिर विधायक हो, कोई भी हो, साइबर ठगी करने वाले अपराधी किसी को भी नहीं बख्शते हैं। दोस्तों, हाल ही में राजस्थान उच्च न्यायालय के एक सीनियर जज को ठगने का प्रयास किया गया। अभियुक्त ने जज को फोन किया और उनके बैंक खाते की जानकारी मांगी। जब न्यायाधीश ने बैंक खाते की जानकारी देने से इनकार कर दिया तो फोन करने वाले व्यक्ति ने उन्हें गालियां दी और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल भी किया। जज के निर्देश पर राजस्थान हाईकोर्ट मास्टर ने आईटी एक्ट के तहत एसओजी में केस दर्ज किया है। पुलिस फोन करने वाले का पता लगाने का प्रयास कर रही है। दोस्तों, फोन करने वाले व्यक्ति ने खुद को बैंक का कर्मचारी बताया। ये घटना 7 जून सुबह 9:30 बजे की है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक राजस्थान हाईकोर्ट के जज ने फोन किया था। फोन करने वालों ने खुद को भारतीय स्टेट बैंक के क्रेडिट कार्ड कार्यालय के कर्मचारी के रूप में अपनी उन्होंने पहचान दी। उन्होंने पूछा कि क्या आप जज बोल रहे हैं। जब न्यायाधीश ने कहा हाँ, तो कॉलर ने खुद को SBI बैंक कर्मचारी के रूप में पेश करते हुए बैंक खाते की जानकारी मांगी। जानकारी न देने पर उसने क्रेडिट कार्ड रद्द करने की धमकी दी। न्यायाधीश ने जब फोन करने वाले का पूरा परिचय पूछा तो उसने पहले तो अनसुना कर दिया और फिर आपत्तिजनक और अभद्र भाषा का प्रयोग उसने जज के साथ किया। दोस्तों, जब न्यायाधीश ने जानकारी जारी करने से इनकार कर दिया तो उन्होंने कहा कि आपका खाता और आपका क्रेडिट कार्ड समाप्त कर दिया जाएगा। जब न्यायाधीश ने जानकारी देने से कम्प्लीटली डिनाई कर दिया और उससे उसकी असली पहचान बताने के लिए कहा तो कॉलर ने अपना असली नाम और पता छिपाकर धोखाधड़ी करने का प्रयास किया। बदमाश ने अभद्र भाषा का प्रयोग भी किया और जज के निर्देश पर कोर्ट मास्टर ने केस दर्ज कर लिया है। दोस्तों, इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आपके लिए लाती रहती हूँ। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय।